फोर्सर ट्रैकर का नया अपडेट आ गया है 21.3। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाकर फोर्सर ट्रैकर ऐप को कर लेते हैं अपडेट। फोर्सर ट्रैकर करेंगे यहाँ पर टाइप, जैसे हमेशा करते हैं फोर्सर ट्रैकर को हम करते हैं अपडेट। फोर्सर ट्रैकर को अपडेट करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर वहां टाइप करके फोर्सर ट्रैकर को अपडेट कर देना होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है अपडेट। इसी तरह से आप भी जब प्ले स्टोर में जाकर अपडेट करेंगे तो यहाँ अपडेट लिखा होगा, तो आप इसको अपडेट को टच कर दीजिए, अपडेट हो जाएगा। ओपन करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पोस्टर ट्रैकर में क्या नया अपडेट आया हुआ है। इस बार पोस्टर ट्रैकर का वर्जन 21.3। तीन अपडेट आए हुए हैं जिसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण है बहनों। तो पहला अपडेट है एजी कैटेगरी इन स्टॉक रजिस्टर इशू फिक्स्ड। जो स्टॉक रजिस्टर में जो इशू आ रहा था उस इशू को फिक्स्ड कर दिया गया है, उस इशू को ठीक कर दिया गया है। अब पोस्टर ट्रैकर में स्टॉक रजिस्टर भी आ गया है। तो स्टॉक रजिस्टर, जिस तरह से आपको पता है कि स्टॉक रजिस्टर बंद कर दिया गया है, भौतिक वाला फिजिकल बंद कर दिया गया है, तो पोस्टर ट्रैकर में ही स्टॉक रजिस्टर को हमें भरना होता है। जब हम खाद्यान्न प्राप्त करते हैं THR, तो पोस्टर ट्रैकर में स्टॉक रजिस्टर को भरना होता है। और दूसरा है THR HCM ओल्ड वैल्यूज अक्यूरिंग फिक्स्ड। तो जो THR और HCM बच्चों को दिया जाता है उसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको भी फिक्स कर दिया गया है। तीसरा है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। अब हम चलते हैं पोस्टर ट्रैकर को कर लेते हैं ओपन। से जब ओपन करते हैं पोस्टर ट्रैकर को तो हमेशा की तरह इसमें पासवर्ड और एम पिन दिया जाता है, तो पासवर्ड और एम पिन भी इसमें आप लोग फिल कर लीजिए। जिसका जिसका पासवर्ड जो होगा लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद पहला और बड़ा अपडेट है एजी कैटेगरी इन स्टॉक रजिस्टर इशू फिक्स्ड। स्टॉक रजिस्टर, हाँ यहाँ पर देखिए स्टॉक रजिस्टर है, इसे हम इसमें जो भी खाद्यान्न प्राप्त होता है THR प्राप्त होता है उसको यहाँ पर भरा जाता है। तो भरते समय जो भी इसमें इश्यू आ रहा था, जो दिक्कतें आ रही थी, सही से सेव नहीं हो रहा था, तो उसको उस इशू को फिक्स कर दिया गया है। एजी स्टॉक रजिस्टर के इशू को फिक्स कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टर ट्रैकर में जब भी आप लोगों को THR प्राप्त हो, इस तरह से स्टॉक रजिस्टर आप लोगों को भर देना है। हर महीने का जो भी प्राप्त होता है खाद्यान्न, हर महीने का भरा जाता है। अभी अगस्त महीने का हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पर अगस्त महीने का कोई स्टॉक यहाँ पर नहीं भरा है। और दूसरा बड़ा अपडेट है THR HCM ओल्ड वैल्यूज रीअक्यूरिंग इन फिक्स्ड। दूसरा बड़ा अपडेट है, चलेंगे डेली ट्रैकिंग पर, क्योंकि THR और HCM जो भी होता है उसे डेली ट्रैकिंग में ही जाकर के भरना होता है। हम ओपन करेंगे डेली ट्रैकिंग को, इस तरह से डेली ट्रैकिंग ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर THR और HCM का ऑप्शन है उसे टच करना है। तो THR और HCM के ऑप्शन को टच करेंगे तो इस तरह से फीचर खुल के सामने आएगा। अभी तक जो भी दिक्कतें आ रही थी THR और HCM को फील करने में, आप देखिए प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर और चिल्ड्रन, इन लोगों को THR दिया जाता है, महीने में एक बार राशन दिया जाता है। और जो चिल्ड्रन होते हैं 3 से 6 साल के, उन बच्चों को HCM हॉट कुक्ड मील दिया जाता है। जो बच्चे हमारे यहाँ शाला पूर्व शिक्षा प्राप्त करने आते हैं उन्हें गर्मा गर्म खाना प्रतिदिन दिया जाता है। तो इन बच्चों को जब हम HCM और THR वाला जो ये आता है, तो ये जब हम जिन बच्चों को HCM देते थे उसमें जो भी समस्या आती थी वो पूरे महीने का नहीं लेता था, HCM भरने में दिक्कत आ रही थी, उस इशू को ठीक कर दिया गया। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी HCM भरने में, आसानी से बच्चों का HCM और THR को भर सकते हैं। जब हम THR बच्चों का भरते थे 3 से 6 साल तक के बच्चों को भी आधा किलो दाल और आधा किलो गेहूं का दलिया मिलता है, तो जिन बच्चों का हम ऐसे भर देते थे फिर उनका HCM भरते थे, तो फिर ये सब दिक्कतें आती थी कि वो ठीक से अपलोड नहीं हो पाता था। तो अब इस समस्या को खत्म कर दिया गया है। अब आप आसानी से THR और जो HCM प्राप्त होता है 3 से 6 साल तक के बच्चों को, उसे पोस्टर ट्रैकर में आसानी से भर सकते हैं। और तीसरा
अपडेट है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। तीसरा जो ऐप ऑप्टिमाइजेशन है उसमें ये होता है कि जो भी दिक्कतें पोषण ट्रैकर में आ रही होती हैं उन दिक्कतों को ठीक कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है पोषण ट्रैकर में। और हाँ बहनों, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है पोषण ट्रैकर से संबंधित या आंगनबाड़ी से संबंधित, कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल आपके मन में है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके उन सवालों का जवाब आपको दूं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाबा बदेवरानाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।